एक तरफ राहुल गांधी अभी अपने बयानों की वजह से मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने भी, यानी कि राहुल गांधी की मां ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से वो मुसीबत में घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ये खबर सोनिया गांधी को लेकर है। सोनिया गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से मल्लिका अर्जुन खड़गे से जवाब मांगा गया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर पोस्ट किया था। उसके बाद अब चुनाव आयोग ने मल्लिका अर्जुन खड़गे से स्पष्टीकरण देने या इसमें सुधार करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए शपथ का उल्लंघन है। बता दें कि बीजेपी की शिकायत के बाद ईसी ने ये नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कर्नाटक भारत संघ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य राज्य है और भारत संघ के सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का कोई भी आह्वान अलगाव के आह्वान के समान है और ये खतरनाक और घातक परिणामों से भरा हुआ है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को दी अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि ट्वीट पंजीकरण के समय राजनीतिक दलों द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत ली गई अनिवार्य शपथ का उल्लंघन है। अब कांग्रेस एक बार फिर से मुसीबत में घिरती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।